हमारे गैलेक्सी में मौजूद 97% तारे लोअर मास यानी कम द्रव्यमान के तारे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि छोटे मास के तारे मरकर व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं, और आज मैं आपको इन्हीं व्हाइट ड्वार्फ के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आपको ये बात पता नहीं है तो मैं आपको ये बात बता दूं कि तारों की मृत्यु तारों के मास पर निर्भर करता है। छोटे तारे यानी कम मास के तारे व्हाइट ड्वार्फ के रूप में मरते हैं, मध्यम मास के तारे न्यूट्रॉन स्टार बनकर नष्ट होते हैं, और बड़े मास के तारे ब्लैक होल बनकर नष्ट होते हैं। तो अब हम यहां से जानना शुरू करते हैं व्हाइट ड्वार्फ के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि तारों के कोर में मौजूद मजबूत ग्रेविटी के कारण कोर का तापमान और प्रेशर बहुत ही ज्यादा रहता है, जिसके कारण कोर में हाइड्रोजन के एटम फ्यूज होकर हीलियम का एटम बनाते हैं। अगर तारे का द्रव्यमान ज्यादा हुआ तो ये हीलियम फ्यूज होकर कार्बन बनाते हैं, और इसी प्रकार ये न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया आगे बढ़ती रहती है। तारों में इसी न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण बाहर की ओर रेडिएशन द्वारा एक प्रेशर लगता है, जो तारों को सदैव बाहर की ओर फैलाने में मदद करता है। वही तारों के कोर में ग्रेविटी के कारण तारों में अंदर की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जो तारों को सदैव अंदर की ओर कंप्रेस करता है। अगर ये दोनों फोर्स बराबर रहते हैं तो तारे बैलेंस में रहते हैं। बाहर की ओर लगने वाला प्रेशर जब ज्यादा होता है तब तारे फैलते हैं, और जब अंदर की ओर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है तो तारे कंप्रेस होते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन के क्रम में एक ऐसा समय आता है जब तारों में न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन क्रिया बंद हो जाती है, क्योंकि कोर फ्यूज होकर काफी हैवियर एलिमेंट बना लेता है जो आगे फ्यूज नहीं हो पाता है। हालांकि छोटे मास के तारों में इतना मास नहीं होता है कि वो बहुत ज्यादा हैवियर एलिमेंट बना सकें। कम मास वाले तारों के कोर में जब फ्यूजन की क्रिया बंद हो जाती है तो कोर के बाहर वाले लेयर में हीलियम बर्न होना शुरू हो जाता है, और ये एक शॉक वेव के साथ बाहर की ओर कोर को छोड़कर स्पेस में फैल जाता है। ये फैला हुआ लेयर प्लैनेटरी नेबुला कहलाता है, जो कि बहुत ही सुंदर और चमकीला दिखाई देता है, और पीछे छोड़ जाता है एक सफेद गोल और ब्रह्मांड की सबसे गर्म चीजों में से एक व्हाइट ड्वार्फ। ये व्हाइट ड्वार्फ आकार में मात्र पृथ्वी के आकार के जितने ही होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर के कारण और नहीं सिकुड़ पाते। भले ही ये व्हाइट ड्वार्फ आकार में बहुत छोटे होते हैं, पर ये बहुत ही डेंस होते हैं। एक टीस्पून व्हाइट ड्वार्फ मटेरियल में हजारों किलोग्राम मास होता है। मास में ये व्हाइट ड्वार्फ 1.4 सोलर मास के बराबर होते हैं। इन व्हाइट ड्वार्फ में एनर्जी इतना ज्यादा डेंसली पैक्ड होता है कि इससे ऊर्जा बहुत ही धीरे धीरे रेडिएशन के रूप में आउटर लेयर से बाहर निकलता है, इसलिए ये अरबों साल तक चमकते रहते हैं। और जब इनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है तो ये एक काले गोले के रूप में ब्लैक ड्वार्फ बन जाते हैं, और बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी ब्रह्मांड में मौजूद सबसे कम तापमान पर परिवर्तित हो जाते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है, इसलिए अभी तक कोई भी व्हाइट ड्वार्फ ब्लैक ड्वार्फ नहीं बन पाया है, क्योंकि ये व्हाइट ड्वार्फ अरबों अरबों साल तक जीवित रहते हैं। वो तारे जो वेरी लो मास स्टार होते हैं, वो हाइड्रोजन फ्यूज करके हीलियम तो बनाते हैं, पर वो हीलियम को आगे फ्यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना मास नहीं रहता है, और अपने ही ग्रेविटी के कारण श्रिंक होकर व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं। यानी वेरी लो मास स्टार व्हाइट ड्वार्फ अलग तरीके से बनते हैं। यहां मैं आपको ये बता दूं कि हमारा सूर्य भी एक दिन व्हाइट ड्वार्फ बनकर ही नष्ट होगा। हमारे सौरमंडल में सबसे नजदीक व्हाइट ड्वार्फ 8.6 लाइट ईयर दूर सीरियस बी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।